हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्लेम बर्निंग वैली का सेट लीडर मास्टर टैंग अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो अपनी बेटी को ही बचाने के लिए फायर बुद्धि पिल बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे ज़ावियन और फैंटम मास्टर की मदद चाहिए थी। ज़ावियन ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो चुका था, इसलिए वो मास्टर टैंग की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पिल रिफाइनमेंट के दौरान अचानक हम देखते हैं कि फैंटम मास्टर की पावर खत्म हो गई और एग्जॉस्ट होने की वजह से वो बेहोश हो गए, जिस पर तो सब लोगों ने उम्मीद हार दी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग पिल रिफाइनमेंट में फेल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन हार नहीं मानता। वो दो लोगों का काम अकेले ही करते हुए यहाँ आखिरकार फायर बुद्धि पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर देता है, जिसके बाद तो वादे के मुताबिक ज़ावियन को 3 मिस्टीरियस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ फ्लेम बर्निंग वैली के दो एल्डर इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो लोग ज़ावियन के सामने एक टेस्ट रखते हैं, जहाँ ज़ावियन को मास्टर वुचेन के साथ फाइट करनी होगी और अगर ज़ावियन इस फाइट को जीत गया तभी उसे ये 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मिल सकती, जिसके लिए तो ज़ावियन भी एग्री हो गया था। और वो यहाँ एल्डर वुचेन को हराने के लिए अपनी डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को एक्टिवेट कर लेता है, जिसने वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मास्टर टैंग अपनी फ्लेम बर्निंग वैली की फिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी की पूरी वैली बर्बाद हो जाएगी, लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। जो कहते हैं साथी मास्टर टैंग फौरन से जंप करते हुए यहाँ हवा में आ चुके थे, जहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ब्लैक होल को यहाँ से कई दूर स्पेस में भेज दिया था। सब लोग हैरानगी के साथ ये सब देख रहे थे। एक बार जब मामला सॉल्व हो गया तो मास्टर टैंग ज़ावियन तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहे थे कि ये लड़का तो वाकई में काफी ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ज़ावियन ने सिर्फ हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी तबाही मचा दी। मैं पिछले कई सौ साल से फ्लेम बर्निंग वैली और यहाँ के इलाके को रूल कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ कि मैं इतनी खतरनाक तबाही मचा सकूं। मास्टर टैंग तो वाकई में ज़ावियन से काफी ज़रा इंप्रेस लग रहे थे और वो फौरन नीचे की तरफ आते हुए कहते हैं कि ये कॉम्पिटिशन यहीं पर खत्म हुआ। मास्टर वुचेन अपने अपने 10 के 10 अटैक चल लिए, लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़ावियन अभी भी हारा नहीं। इसका मतलब ज़ावियन जीत चुका है। ये सुनकर हुआईर तो काफी जरा खुश हो गई, जबकि एल्डर वुचेन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ मास्टर टैंक कहता है कि जीत की खुशी में ज़ावियन अब तुम हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ले सकते हो। यहाँ ये सुनते हुए ज़ावियन की आंखों में एटीट्यूड साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो यही बताना चाहता हो कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही बोला था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। ज़ावियन की इसी विनिंग एटीट्यूड के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ क्वीन मेडुसा पर आ जाता है, जो कि ज़ावियन के दोनों भाइयों के साथ मिलकर यान अलायंस को चलाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त इन लोगों के सामने लाइन सेक्ट मौजूद था, जो कि क्वीन मेडुसा से कह रही थी कि हमारा लाइन सेक्ट आप लोगों की यान अलायंस के साथ मिलने के लिए तैयार है। क्वीन मेडुसा भी उन लोगों की बातें सुनने के बाद एटीट्यूड के साथ उन लोगों से कहती है कि ठीक है, जब तुम लोगों की सारी बातें हो गई तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लाइन सेक्ट वाले वो मैसेंजर जब यहाँ से जा रहे थे तो उन लोगों के चेहरे पर एक ईवल मुस्कुराहट थी, जैसे कि उन लोगों के मन में कोई प्लानिंग चल रही है। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद ज़ावली कहता है कि लाइन सेक्ट वाले लोगों से बात करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी के साथ हमारी बात मान लेंगे, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। जिस पर क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि लाइन सेट बेशक ये दिखाने के लिए तैयार है कि वो लोग हमारे सामने सरेंडर कर चुके, लेकिन मुझे इन लोगों के इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इसलिए फ्यूचर में हमें लाइन सेट के साथ जरा और जरा सावधानी के साथ चलना होगा। जिस पर ज़ावियन का बड़ा भाई कहता है कि आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा इन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों आराम कर लो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में तुम दोनों भाइयों को और भी ज्यादा काम करना होगा। ये कहते साथी क्वीन मेडुसा इन दोनों को अलविदा करके वहां से जाने लगी थी, जहां क्वीन मेडुसा के जाने के बाद ज़ावली अपने बड़े भाई की तरफ आते हुए कहता है कि बड़े भाई, क्या तुमने ज़ावियन का लेटर पढ़ा? उसने सेम एक लेटर क्वीन मेडुसा के लिए भी भिजवाया है, जिसके साथ एक पिल भी मौजूद थी। ज़ावली का बड़ा भाई जवाब देते हुए कहता है कि ज़ावियन की फिक्र मत करो, वो इस वक्त डांटा सिटी जा रहा है और उसने कहा कि वो खुद का ख्याल रखेगा। यहाँ इन दोनों भाइयों के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा पर आ जाता है, जो कि वही लेटर पढ़ने के लिए एक सुनसान पहाड़ी पर आ चुकी थी। क्वीन मेडुसा बेशक दिखाती नहीं, लेकिन वो ज़ावियन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। यहाँ पर लेटर के साथ साथ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा के पास हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल भी पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ ज़ावियन ने लेटर में क्वीन मेडुसा के लिए लिखा था कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी होगी, मैंने तुम्हारे लिए ये हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल बना ली है, उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसा कि हमने सोचा है। इस पिल को खाने के बाद तुम्हारी बॉडी में जो भी डबल एनर्जीज थी उम्मीद करता हूँ कि वो खत्म हो जाएगी और तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। साथ ही साथ मुझे अपने भाइयों की वजह से मालूम हुआ कि
तुम यान अलायंस का कितना ख्याल रख रही हो। यान अलायंस को तुम्हारे हाथों में देना मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा। हाँ बेशक मैंने थोड़ी सी खुदगर्जी दिखाते हुए तुम्हें यहाँ पर पहुँचा दिया, लेकिन प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन मेरे बाद यान अलायंस की अगर सबसे अच्छे से कोई हिफाजत कर सकता था तो वो तुम ही हो। साथ ही मुझे अफसोस है कि मैं खुद ये हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल तुम्हारे पास अपने हाथों से लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि खुद इस वक्त मैं जोंगजाऊ कंट्री की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन मुझे पूरा करना होगा। कोई है जिसको मुझे बचाना है। यहाँ ज़ावियन अपने मास्टर की बात कर रहा था, जबकि साथ ही साथ ज़ावियन लिखता है कि ये सफर बेशक खतरों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं हमेशा दुआ करूंगा कि मैं तब तक जिंदा रह सकूं जब तक हम दोनों दोबारा से मुलाकात ना कर सके। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। यहाँ ज़ावियन ने ये लेटर क्वीन मेडुसा के लिए लिखा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ज़ावियन पर आ जाता है, जो कि उसी थ्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एब्जॉर्ब कर रहा है। ज़ावियन के आसपास यहाँ थ्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बन चुका था, जिसके अंदर से इन्फॉर्मेशन फ्लो होते हुए ज़ावियन के माइंड में जा रही थी। ये देखकर तो हुआई भी बहुत ही ज़रा हैरान थी, और वो सरप्राइज होते हुए अपने फादर से कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बार ये थ्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से इतना बड़ा एनर्जी बॉल क्यों बन गया। क्योंकि ये टेक्निक तो हमारे क्लैन का एक सीक्रेट मेथड है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे क्लैन का जो भी मेंबर इस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है उसे कभी भी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती। आखिर ये ज़ावियन के लिए इतनी ज़रा अजीब तरीके से एक्ट क्यों कर रही है, जो सुनकर मास्टर टैंक जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानती भी हो कि थ्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का ओरिजिन क्या है। जो सुनकर तो मिस वाइट जवाब देते हुए कहती है कि हमारा एक एंसेस्टर जिसका नाम चुयान था, जिसने इस फ्लेम बर्निंग वैली को भी बनाया, मुझे लगता है कि उन्होंने ही हेवनली थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बनाई होगी। जिस पर मास्टर टैंग एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि आज से कई वक्त पहले इस डोकी कॉन्टिनेंट में 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो कि डो एम्परर बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे थे। हमारा एंसेस्टर चुयान भी उन्हीं 5 पावरफुल वॉरियर्स में से एक था, जबकि बाकी के 3 एंशियंट सोल क्लैंस को बिलोंग करते थे। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल आखिरी था, जिनका नाम है एंसेस्टर ज़ाओजुआन। वो कमाल के थे, उनके पास एंशियंट डो ब्लड लाइन था। उन्होंने ही पहली दफा हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को बनाया था, और चूंकि वो हमारे एंसेस्टर चुयान के क्लोज फ्रेंड थे तो इसलिए उन्होंने गिफ्ट के तौर पर ये टेक्निक हमारे एंसेस्टर्स को दे दी थी। जो सुनकर मिस व्हाइट जवाब देते हुए कहती है कि यानी कि इस थ्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को हमारी फ्लेम बर्निंग वैली ने नहीं बनाया। लेकिन यह एक और बात सोचने वाली है, ज़ावियन के नाम में भी तो ज़ाओ आता है, शायद वो भी ज़ाओ फैमिली से बिलोंग करता है और ज़ाओजुआन भी ज़ाओ फैमिली का ही एंसेस्टर होगा। मास्टर टैंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़ाओजुआन ज़ावियन का एंसेस्टर है, इसी वजह से तो ये हेवनली थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ज़ावियन के सामने इतनी अच्छी तरीके से एक्ट कर रही है जैसे कि ये उसी की बिलोंग करती हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ावियन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने इस एडवांस हेवनली थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को धीरे धीरे करके अपनी बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ ज़ावियन मास्टर टैंक का शुक्रिया अदा करता है इस अच्छे से गिफ्ट के लिए। साथ ही साथ वो इनको बताता है कि अब मुझे यहाँ से चलना होगा, अगर आने वाले फ्यूचर में कभी भी आपको या आपके सेट को मेरी जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे याद कर सकते हो। मिस व्हाइट तो ज़ावियन के जाने से दुखी थी, इसलिए वो ज़ावियन से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है जिन्हें मुझे ढूंढना होगा, वो मुझसे बिछड़ चुके थे, इसलिए मुझे चलने की इजाजत दीजिए। जो सुनकर मास्टर टैंग आखिरी दफा ज़ावियन से कहते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बातें याद दिला देना चाहता हूँ। हाँ बेशक ये बात सच है कि थ्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से कुछ देर के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन तुम इस टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉडी से बहुत ही तेजी के साथ सोल पावर कंज्यूम करती है। साथ ही साथ ये हेवनली थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमारे क्लैन का एक सीक्रेट मेथड है, तुम बाहर जाकर इसे पहला भी नहीं सकते, तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, जो सुनकर मास्टर टैंक को काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ इन दोनों को अलविदा करते हुए कहता है कि अब मुझे चलना होगा, और ये कहते साथ ही वो फौरन उड़ते हुए यहाँ से रवाना हो गया, जिसे जाता हुआ देखकर मिस व्हाइट तो बहुत ही उदास हो चुकी थी। दूसरी तरफ मास्टर टैंक अपनी बेटी से कहते हैं कि फिक्र ना करो, अगर हमारी किस्मत में ज़ावियन से मिलना दोबारा लिखा हुआ तो फ्यूचर में हमारी मुलाकात जरूर होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ पॉइजन गर्ल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लेशियर सेक्ट वाले लोग अपनी आईसी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते उन पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पॉइजन गर्ल यहाँ जिनलेन का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उन स्पाइक से टकरा ना जाए। यहाँ उन आई स्पाइक्स को अपने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तोड़ने के बाद पॉइजन गर्ल फौरन से जमीन पर आ जाती है, और वो पीछे की तरफ देखती है कि ग्लेशियर सेक्ट वाले वॉरियर्स अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे, इसलिए पॉइजन गर्ल भी मजबूर होकर पीछे की तरफ पलटते उन वॉरियर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ग्लेशियर सेक्ट के वॉरियर्स की तादाद काफी ज्यादा थी, पर इसके बावजूद भी वो लोग चाकर भी पॉइजन गर्ल को टच नहीं कर पा रहे थे। उल्टा पॉइजन गर्ल आसानी के साथ इन
सबको धूल चटका देती है। जो करने के बाद पॉइजन गर्ल वापस से जिनलैन के पास आ गई और वो जिनलैन से कहती है कि ग्लेशियर सेक्ट वाले लोग हार मानने का नाम नहीं ले रहे। लगता है कि किसी को पीछे रुककर इनके साथ फाइट करनी ही होगी, इसलिए जिनलैन तुम अकेले आगे की तरफ जाओ, तब तक मैं इन लोगों के साथ यहीं पर रुककर फाइट करूंगी। जो सुनकर तो जिनलैन परेशान हो गई थी और वो पॉइजन गर्ल को यूं अकेले कैसे छोड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जल्दी इन लोगों को खत्म करते हुए अपना रास्ता ढूंढकर वापस आ जाऊंगी। जो सुनकर तो जिनलैन आगे की तरफ आते हुए कहती है कि हाँ ये बात सच है, बेशक मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं उतनी ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं वापस जाकर आपके लिए मदद बुलवा कर लाऊंगी, इसलिए आप मुझ पर भरोसा रखिए और जब तक मैं वापस ना जाऊँ तब तक आप अपना ख्याल रखना। जो कहते साथ ही जिनलैन वहाँ से अकेले अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है, जबकि पॉइजन गर्ल वहाँ अकेले ही बच गई थी ग्लेशियर सेक्स से फाइट करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़ियावियन पर आ जाता है जो कि लुकिन के साथ बातें कर रहा था और वो लुकिन को बताता है कि कैसे मैंने ये फैमिली की एक लड़की जिनलैन के साथ वादा किया था कि मैं उन्हें पिल टावर के एल्डर सीट दिलवाने में मदद करूंगा, जिसके लिए मुझे ये फैमिली की तरफ जाना होगा। यहाँ ज़ियावियन को लिन टैंग रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लुकिन की बहन तो एक कदम और भी आगे बढ़ चुकी थी। वो ज़ियावियन को रोकने के साथ साथ कहती है कि अब तो तुम्हें मालूम ही है कि ये फैमिली कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गई और वो लोग इस मुश्किल से खुद को निकाल भी नहीं सकते, जल्दी उनसे पिल टावर की एल्डर सीट ले ली जाएगी, उन लोगों का जो बचा कुचा नाम है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि ज़ियावियन तुम ये फैमिली के पास जाने के बजाय हम लोगों के साथ रुक जाओ, हमारी लू फैमिली भी बहुत ही खास है, इसके अलावा अगर तुम हमारे साथ रुक जाते हो तो तुम्हारा टैलेंट तो लाजवाब है, हमारी लू फैमिली आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी, जबकि इसमें भी तुम्हारा फायदा है, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। यहाँ लूफी इसी तरह की बातें कर रही थी, इसलिए लुकिन उसे खामोश करते हुए कहता है कि इस तरह की बातें करना बंद करो, जबकि लिन टैंग तो लूफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे आंटी क्या खुद को एम्बेरस करवाना जरूरी था, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मछली को पकड़ सकती हो, ये मछली कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। जो सुनकर तो लूफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लिन टैंग की पिटाई लगाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुमने मुझे आंटी कैसे कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दूसरी तरफ ज़ियावियन यहाँ लुकिन की तरफ आते हुए कहता है कि ब्रो अब मुझे यहाँ से चलना होगा, मुझे जल्द से जल्द पिल टावर की तरफ निकलना है, जिसके लिए लुकिन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी वार्म होल को वहाँ के लिए सेट कर दिया, तुम पिल टावर जा सकते हो, अगर वहाँ तुम किसी मुश्किल में पड़ गए तो वापस से टीआर हुआ सिटी आ जाना, बेशक मेरी लू फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन हमसे जो हो सके तुम्हें बचाने के लिए हम वो सब करेंगे। ये सुनकर तो ज़ियावियन को बहुत अच्छा फील हुआ। दूसरी तरफ लिन टैंग फौरन से ज़ियावियन के साथ आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। जो सुनकर तो ज़ियावियन लिन टैंग को फौरन से लूफी की तरफ धकेलते हुए कहता है कि इसे जरा रोक कर रखो, और ये कहते साथ ही वो खुद फ्लाइंग बोट की तरफ जंप कर चुका, जबकि पीछे से लूफी बिचारी आवाजें देते हुए कह रही थी कि अरे ज़ियावियन रुक जाओ, अभी तक मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। लेकिन ज़ियावियन बेचारा तो भागने के बाद एक बार भी पलट कर नहीं देखता, बड़ी मुश्किल से उसने खुद को बचाया था। लूफी को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा रहा था, वो पीछे की तरफ देखते हुए लिन टैंग से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, और एक बार फिर से वो लिन टैंग के पीछे पड़ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन यहाँ शिप पर आने के बाद मुस्कुराकर उस शिप को रवाना करते हुए वार्म होल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ यीचेंग सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल के वांटेड पोस्टर लग चुके थे। इन पोस्टर्स में लिखा हुआ था कि ग्लेशियर सेक्ट यानी कि आइस रिवर वैली को पॉइजन गर्ल की तलाश है, अगर किसी को भी उस लड़की की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, जिसके बारे में वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे थे और वो लोग डिस्कस करते हुए कहते हैं कि ये तो वही पॉइजन गर्ल है ना जिसे आज से पहले कुछ सेक्ट वालों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इस वक्त ग्लेशियर लिवर सेक्ट इस पॉइजन गर्ल को ढूंढ रहा है ताकि वो इस लड़की की पॉइजन बॉडी से छीन सके, पर क्या इस बार ग्लेशियर सेक्ट इस काम में कामयाब हो पाएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियावियन वहां पर पहुंच गया था जो कि इस पोस्टर को उतार कर पढ़ने शुरू हो गया और वो इसे अपने पास रख लेता है। बाकी के सब लोग तो ज़ियावियन को देखकर ही समझ गए थे कि जरूर ये कोई पावरफुल वॉरियर होगा, इसलिए वो लोग पंगा करने की गलती नहीं करते। दूसरी तरफ ज़ियावियन पलट कर सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों से मैं सवाल करके पूछ सकता हूँ कि आखिर मुझे ये फैमिली कहाँ पर मिलेगी। जो सुनकर वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सिटी पर आए हो, ये है ये चेंग सिटी। सामने की तरफ देखो जो सबसे ऊंची लंबी बिल्डिंग है वही है ये फैमिली की बिल्डिंग। यहाँ उन लोगों के ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ये क्लैन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनलैन वापस अपने घर पहुंच चुकी थी और यहाँ सेक्ट पहुंचते साथ ही अचानक क्लैन लीडर उस पर एक और बिजली गिरा देता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर उसे कह रहा था कि तुम्हें काउडैन के साथ शादी करनी है, लेकिन जिनलैन तो इस बात से जरा सा भी एग्री नहीं करती थी, उल्टा वो भड़कते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काउडैन जैसे कमीने इंसान से तो कभी शादी नहीं करने वाली, इसके अलावा काउ फैमिली ने भी हमेशा हमारी ये क्लैन को बर्बाद करने की साजिश रची है, आखिर मैं अब उनके बेटे से शादी कैसे कर लूं। पर फिलहाल ये बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास एक और जरूरी काम है जो कि मुझे पूरा करना होगा, प्लीज ग्रेट
ग्रेट एल्डर मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद कर सकूं। एक बार जब मैं वहां से वापस आ जाऊं उसके बाद आप लोग मुझसे जो भी बात डिस्कस करना चाहें हम उस बारे में बात कर लेंगे। जो सुनकर तो सेक लीडर उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी अचानक ये क्लैन का एक दूसरा एल्डर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त हम लोगों का काउ फैमिली के साथ हाथ मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस वक्त तुमने काउडेन के साथ शादी ना की तो हमारा ये क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसके बावजूद भी देखो तो सही आखिर तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, एक लड़की की जान बचाना। तुम हमारे क्लैन की बजाय फजूल लोगों का सोच रही हो। जो सारी बातें सुनकर तो जिनलैन को भी काफी बुरा महसूस हुआ और वो गुस्से के साथ भड़कते हुए जवाब देकर बोलती है कि वो कोई फजूल लोग नहीं है, अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ना होती तो आज के दिन जिनलैन मर चुकी होती। मैं आज उसी की वजह से जिंदा होकर आपके सामने खड़ी हो पा रही हूँ। मुझे लगा था कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि आप लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक टूल के अलावा कुछ नहीं, आप बस मेरी शादी करवा कर खुद की क्लैन को बचाना चाहते हो। जो सुनकर तो क्लैन लीडर भी गुस्सा होते हुए भड़क कर कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम इस तरह की बकवास यहाँ नहीं कर सकती। हाँ ये बात सच है कि अगर किसी ने भी हमारी ये क्लैन के साथ पास्ट में अच्छा किया तो हमेशा हमने उसके साथ अच्छाई का बदला अच्छाई से निभाया, लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी जरा बदल चुकी। फिलहाल तुम्हारी शादी का मुद्दा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जब तक तुम्हारी शादी की बात पक्की नहीं हो जाती हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जो सुनकर जिनलैन इमोशनल होते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काउडेन के साथ शादी नहीं करूंगी, और जहाँ तक लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने की बात है तो मैं अपने लिए ही कोई ना कोई रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। जो कहते हुए जिनलैन अभी वहां से बाहर की तरफ जाने ही वाली थी तभी अचानक वहां पर मौजूद एक एल्डर कहता है कि तुम उसी सो कॉल्ड जीनियस पर इतना भरोसा कर रही हो जो कि इनर कनान कॉलेज से तुम्हारे साथ निकला था, तुम्हें लगता है कि सच में वो जीनियस तुम्हारी मदद कर पाएगा? अगर वो इतना ही बड़ा जीनियस है तो वो उस पॉइजन गर्ल की मदद कर सकता है, जबकि हमें किसी लल्लू पंजू की मदद की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो एल्डर फौरन यहाँ जिनलैन के सामने खड़ा हो गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आज के दिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तभी अचानक पीछे से ज़ावियन की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि वैसे भी ये लल्लू पंजू तुम्हारी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं, तो अपनी मदद खुद करना। मिस जिनलैन तो ये आवाज सुनते साथ ही पहचान गई कि ये तो ब्रदर ज़ावियन है, इसलिए वो फौरन से बाहर की तरफ भाग चली, जबकि बाकी के सारे एल्डर्स तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाहर आ जाता है जहाँ पर जिनलैन भागते भागते ज़ावियन के पास आ गई। ज़ावियन भी अपने पास से फौरन वही वांटेड पोस्टर निकालकर जिनलैन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर जिनलैन उदास हो चुकी थी। ज़ावियन समझ गया कि पॉइजन गर्ल मुसीबत में है, इसलिए वो जिनलैन से कहता है कि मुझे पॉइजन गर्ल के पास ले चलो। जिनलैन भी इसके लिए एग्री हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से जा पाते तभी अचानक वही एल्डर इन दोनों के भी सामने आ गया जो कि इन लोगों का रास्ता रोक चुका, और वो कहता है कि जिनलैन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और आखिर तुम हो कौन जो कि ये क्लैन के मसलों में इस तरह से टांग अड़ा रहे हो। जो सुनकर ज़ावियन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है ज़ावियन, फिलहाल मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है इसलिए जिनलैन को मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वो एल्डर अभी भी नहीं मान रहा था, बल्कि वो उल्टा कहता है कि जब तक जिनलैन की शादी नहीं हो जाती तब तक वो ये क्लैन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, जिस पर जिनलैन जवाब देते हुए कहती है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ज़ावियन भी ये सुनकर उस एल्डर को जवाब देते हुए कहता है कि अब तो जिनलैन खुद ये बात कह चुकी है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और उसकी मर्जी के बगैर मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगा। मेरे होते हुए मैं देखता हूँ कि तुम ये कैसे करते हो। जो सुनकर वो एल्डर भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, इस वक्त तुम ये क्लैन में मौजूद हो फिर भी तुम्हारी ये एरोगेंसी खत्म नहीं हो रही, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स की जगह मुझे ही तुम्हें तमीज सिखानी होगी। जो कहते साथी वो एल्डर अपनी फ्लेम एक्टिवेट करके यहाँ ज़ावियन को पंच करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुका। ज़ावियन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन जिनलैन को साइड पर हटा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उसके पंच को वहीं पर ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर तो जिनलैन और वो एल्डर दोनों ही काफी जरा हैरान हो जाते हैं, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ज़ावियन गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम मुझे तमीज सिखा सको। ये कहते साथ ही ज़ावियन उस एल्डर का हाथ मुड़ोड़ता है और साथ ही साथ उसे दिखाता है कि असली फ्लेम पंच किसे कहते हैं। ज़ावियन का फ्लेम पंच तो उस एल्डर के पास से गुजरा था, लेकिन वो इतना सारा खतरनाक था कि पीछे मौजूद सारी चट्टानें टूट जाती है, साथ ही साथ उस एल्डर की जान तो हलक तक आ चुकी थी। अपनी मौत को इतने करीब से देखकर वो एल्डर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जिनलैन भी हैरान होते हुए कहती है कि ज़ावियन सिर्फ 6 महीने के अंदर आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, वाकई में ये लड़का नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन पीछे की तरफ पलट कर देखता है जहाँ पर सेक लीडर और बाकी के एल्डर्स भी मौजूद थे। यहाँ ज़ावियन को देखकर वो सेक लीडर जवाब देते हुए कहता है कि जिनलैन ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम एक जीनियस हो, बेशक ये फैमिली के हालात इस वक्त बुरे चल रहे हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि कोई भी बाहर वाला आकर हमारे ही सेक के अंदर हमारे एल्डर्स की बेइज्जती करे, मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि पहले तुम्हारे एल्डर ने इस चीज की शुरुआत की थी, मुझे तो बस मजबूरन उसकी औकातों से दिखानी पड़ी, और दूसरी बात ये कि मैं तुम लोगों के साथ और ज्यादा वक्त नहीं जाया कर सकता, अभी के लिए मुझे यहाँ से चलना होगा। जो कहती है ज़ावियन अभी वहाँ से पलट कर जाने ही लगा पर तभी अचानक
अचानक यी क्लैन के दो एल्डर ने सियावियन को घेर लिया, जो कि सियावियन को कहते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी भी जल्दी क्या है। ये कहते साथ ही उन दोनों एल्डर्स ने मिलकर सियावियन पर हमला भी कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ सियावियन 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को डॉच कर चुका। साथ ही साथ सियावियन ने वहाँ लास्ट मोमेंट पर अपने डिमोनिक सोल पपेट को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पंच करके एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। साथ ही साथ उसने एक एल्डर को पकड़कर दूसरे एल्डर पर दे मारते हुए दोनों को एक साथ ही दोबी बचाड़ कर दिया। सियावियन के इस डिमोनिक सोल पपेट को देखकर तो सेक लीडर भी हैरान हो गया था। यहाँ उन दोनों एल्डर्स को हराने के बाद सियावियन सेक लीडर से कहता है कि प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं, मुझे किसी को बचाने के लिए जाना होगा। ये कहते साथ ही सियावियन अपने डिमोनिक सोल पपेट और जिनलैन को लेकर वहाँ से फौरन रवाना हो गया, जबकि सेक लीडर अपने एल्डर से कहता है कि इन लोगों को जाने दो, लगता है कि यी क्लैन की किस्मत में यही लिखा है। वो असल में सियावियन की ताकत देखकर समझ चुके थे कि सियावियन से भिड़ना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ इसी समझदारी के फैसले के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।